मैं कविता लॉरेंस मैथडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया की सदस्य अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करना चाहती हूँ, ये जो हाथरस में मनीषा बेटी के साथ जो घटना घटी, ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक शर्मनाक घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो घटना है, ये बच्चों की एक गलत मानसिकता है, गलत सोच है। अगर हम जब भी अपने बच्चों को लेकर के बैठें, उन्हें हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि एक औरत की, एक महिला की या एक बहन की किस तरह से हमें इज्जत करनी है, क्योंकि हर घर में एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, सभी घर में कोई ना कोई है। सो जो बेटी के साथ घटना घटी है, उसने जो दर्द सहा, जैसे कि उसकी मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें रीढ़ की हड्डी तोड़ी उसकी, उसकी जबान को भी काटा गया, वो दर्द उसने बेटी ने कैसे सहा होगा। मैं एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। और मैं अपने मुख्यमंत्री से यही विनती करना चाहती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस दर्द का एहसास उनको भी हो सके जो उस बेटी को उन्होंने दर्द दिया, ताकि जो भी ऐसी गलत धारणा को अंजाम देने के लिए कदम उठाता है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो दोषी हैं, बेटी मनीषा के जो दोषी हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको इस तरह ऐसी सजा दी जाए ताकि उनके दूसरों के अंदर जो ऐसी गलत धारणा को अंजाम देने के लिए चलते हैं, उनके अंदर एक डर बैठ सके, इस बात का डर बैठ सके कि अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो हमारे साथ इसी तरह की सजा होगी। सो उनके साथ इसी तरह की सजा होनी चाहिए, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि उनको भी इस दर्द का एहसास हो सके जो उन्होंने दर्द बेटी मनीषा को दिया है। मेरी यही अपील मुख्यमंत्री जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, और भी जो भी आला अधिकारी हैं, उनसे मेरी यही विनती, यही निवेदन है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो इस दर्द का एहसास कर सकें, उनके घर वाले उस दर्द का एहसास कर सकें, उनको उन घर वालों को इस बात का एहसास हो सके शायद कहीं ना कहीं शिक्षा में उनकी कमी रही है। मैं कविता लॉरेंस मैथडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया की ओर से।